हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को घर बैठे ही शिक्षण सामग्री मिल रही है, जिसका पूरा आनंद ले रहे होंगे और आप सीख भी रहे होंगे। हमारी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़ी काविशें हो रही हैं, हम लोग बड़ा स्ट्रगल करके आप तक वीडियो पहुँचा रहे हैं। तो आपका काम बस इतना है कि आप वीडियो को देखें और उसमें से कुछ सीखें, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछें, हमसे या कोई किसी भी टीचर से जो इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ही के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में और वॉटसन की थ्योरी के बारे में, यानी वॉटसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था उनका और बड़ा ही अच्छी बातें उससे निकल करके आई। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो चलिए जानते हैं आज व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म किसे कहते हैं और बिहेवियरिज्म में वॉटसन का क्या है कंट्रीब्यूशन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले आपको पता है मैंने सबसे पहले वीडियो डाला था व्हाट इज़ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग के ऊपर डाला, फिर थॉर्नडाइक के बारे में डाला, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताया, बेस क्रिएट किया लॉ ऑफ लर्निंग वाले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम आए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया, फिर इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया मैंने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई जैसे कि आपका स्टिमुलस, ड्राइव, रिस्पॉन्स, क्लासिकल नेचुरल स्टिमुलस, अननेचुरल स्टिमुलस, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसको थोड़ा देर हम लोग पॉज करते हैं। जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं उनको मैं बहुत थैंक्स कह रहा हूँ, और जो नहीं दे रहे हैं तो उनको मैं कह रहा हूँ कि कभी ना कभी तो हमारी आपकी मुलाकात होगी, है ना। तो आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म के ही इस सीरीज में एक नए थियोरिस्ट का, जिसका नाम था वॉटसन। एक्चुअली थॉर्नडाइक भी एक बिहेवियरिस्ट थे, पैवलोव भी एक बिहेवियरिस्ट थे, और जो हमारे तीसरे हैं जो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिनके बारे में, वॉटसन, ये भी एक बिहेवियरिस्ट ही थियोरिस्ट हैं, ठीक है। एक्चुअली हमेशा से ये माना गया है कि हम जो भी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, वो सब हमारे ही, मतलब वो हमारा हेरिडिटी है, वो हम कहीं ना कहीं इननेट है, वो हेरिडिटल इन नेचर है, है ना। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सोसाइटी, समाज से उसका कोई वास्ता नहीं है। इन्हीं सब बातों को बदलने के लिए थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर और वॉटसन जैसे थ्योरिस्ट सामने आए, और उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे बिहेवियर पे। सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो, एजेंट जो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। इसी के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया, किया एक बच्चे के ऊपर, और ये बच्चे के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अब देखिए मैं इसमें बोलूँगा नहीं ताकि आपको सुनाई ना दे, सुनाई नहीं देगा अगर मैं बोलूँगा तो, आप इसको पूरा देखिए फिर मैं इसको समझाता हूँ असल में मामला क्या। Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again.
Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. तो बिहेवियरिज्म के जैसे इस एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा एक बच्चे को जब उसके सामने आग जलाया गया तब भी वो डरा नहीं जब उसके सामने एक रैट रखा गया तब भी वो डरा नहीं लेकिन जब उसमें एक सामाजिक एलिमेंट ठीक है सामाजिक तत्व डाला गया यानी कि जैसे आपने सुना बेल की आवाज़ को जैसे ही वो बच्चे ने रैट को पकड़ा टन से बेल की आवाज़ बजी और वो जो है बच्चा रोने लगा फिर दोबारा उसने रैट पकड़ लिया फिर डन से आवाज़ बजी फिर बच्चा रोने लगा फिर दोबारा बेल की आवाज़ बजी फिर बच्चा रोने लगा है ना इससे पहले वो बेल की आवाज़ रैट से डरता था नहीं ना डरता था बिल्कुल भी नहीं डरता था लेकिन अब वो डरने लगा अब बेल की आवाज़ नहीं भी बज रही है तो भी वो डर रहा है तो यहाँ पर उस बच्चे के बिहेवियर को वॉटसन ने कंट्रोल और मैनिपुलेट दोनों किया इससे हम क्या समझते हैं इससे हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नेचुरल स्टिमुलस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सिर्फ यही दो तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं बल्कि हमारी ज़िंदगी में अननेचुरल स्टिमुलस यानी कंडीशन स्टिमुलस बेल वॉज अ कंडीशन स्टिमुलस जिसको सुन के वो बच्चा डर गया है ना तो कंडीशन स्टिमुलस हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज यानी बदलाव आता है और इस बात से ये भी साबित होता है कि समाज यानी सोसाइटी एक बहुत बड़ा एजेंट है इट्स अ वेरी ह्यूज एजेंट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एजेंट विच इफेक्ट आवर बिहेवियर जो हमारे व्यवहार हमारे बिहेवियर को पे असर डालता है बच्चे का स्कीमा क्या था कि उसके पास जो रैट आया उसको वो पकड़ ले उसने पकड़ा उसने उसको कुछ नहीं किया लेकिन उस स्कीमा में मॉडिफिकेशन क्या हुआ जब बेल बजा रैट आते ही बेल बजा तो बच्चे ने क्या एसोसिएट किया कि ये रैट कुछ डरने वाली चीज़ है ये रैट से कुछ डेंजर है जिसकी वजह से वो रैट से क्या हुआ गया बाद में जब बेल नहीं भी बज रही थी तो डरने लगा तो मुझे उम्मीद है आपको ये थ्योरी ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा और पसंद आने ना आने की तो बात ही नहीं है समझ में आने की बात है आपको समझ में आई होगी और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में विस्तृत यानी डिटेल्ड रूप में बात करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन क्लासरूम है ना हमारे क्लासरूम में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का क्या इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे सो विद दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट एंड ऑफ कोर्स दोज हु आर प्रेजिंग द वीडियोस जो हमारे एफर्ट को प्रेस कर रहे हैं उनका बहुत थैंक यू और जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर टू के हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा सो विद दिस आई शिबान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सायनारा स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी स्टे क्लीन एंड ऑफ कोर्स हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस गुड बाय